हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने चैनल पे बॉलीवुड सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप लोग अपने चैनल पे बॉलीवुड सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस आज बताऊंगा। और वीडियो के स्किप मत करना, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो यहां से हमें सबसे पहले तो अपना YouTube ओपन कर लेना है। तो हम अपना YouTube ओपन करते हैं, तो आप भी अपना YouTube ओपन कर लीजिए और उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च में जाना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है न्यू बॉलीवुड सॉन्ग आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया न्यू बॉलीवुड सॉन्ग। देखिए तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं। देखिए, आप लोगों को अभी इन्हें डाउनलोड नहीं करना है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ऊपर 3 डॉट का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो हम 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद सर्च फिल्टर पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो हमने सर्च फिल्टर पे क्लिक कर लिया और उसके बाद देखिए हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आया है। तो उसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएटिव कॉमन पे। तो हमने क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करके और नीचे यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई हमने कर दिया। तो इसके बाद अब जो ये हमारे सामने आ रहे हैं सॉन्ग, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। इन्हें आप अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अभी आपको अपलोड नहीं करना, आपको यहाँ से जो भी गाना अच्छा लगे तो उसको यहाँ पर आप लोगों को लोड कर लेना है। तो हम यहाँ से इनमें से किसी एक गाने को डाउनलोड करते हैं। तो उसके बाद हम बताते हैं, हमने यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोबारा यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो हम अपना दोबारा यूट्यूब ओपन करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, मैंने वो सॉन्ग तो डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग। तो सर्च कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे की ये ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग आ चुके हैं। तो आप लोगों को अभी इसे नहीं डाउनलोड करना है। 3 डॉट पे जाके आप लोगों को सर्च फिल्टर पे जाके फिर से क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक कर लेना, अप्लाई कर देना। तो अब ये नो कॉपीराइट हो चुके हैं, इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी। तो हम यहाँ पे इनमें से कोई सा ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम ये जो है ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो फाइनली मेरा सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है और आप लोगों को भी डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों को हम पूरी एडिटिंग करके वीडियो की दिखाएंगे। एडिटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो यूट्यूब कम्युनिटी सोचेगी कि आप लोगों की इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग है, तो चलने देते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डायरेक्टर का फ़ोटो, सॉन्ग डायरेक्टर का फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है। जिस भी डायरेक्टर का आप लोग सॉन्ग यूज कर रहे हैं उसका ही फ़ोटो आप लोगों को कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र से या तो गूगल से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को चले जाना है यहाँ से काइन मास्टर। तो हम अपना काइन मास्टर ओपन करते हैं। तो हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया। तो अभी हमारा काइन मास्टर ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए आप। तो देखिए हमारा काइन मास्टर
ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को साइज सिलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब का आप लोगों को साइज सिलेक्ट कर लेना है 16.9। तो आप लोगों को हम यहाँ पे यूट्यूब साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमने जो भी अपना फ़ोटो डाउनलोड किया था जिस भी डायरेक्टर का, उस फोटो को आप लोगों को ले लेना है। तो हम अब उस फोटो को लेते हैं। तो हमने उस फोटो को ले लिया। अब इसके बाद हमें इसका साइज बड़ा कर लेना है। जितना भी आपको आप लोगों का जितना भी सॉन्ग है उस हिसाब से इस फोटो को बढ़ा लेना है। तो हम बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना है, लेयर पे जाना है आप लोगों को। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग डाउनलोड किया था उसको आप लोगों को यहाँ से ऑन करना है। यहाँ से हम उसको ले लेते हैं। और इसको हम आप लोग पूरा कर दीजिए। इस फोटो को अभी हम और बढ़ाते हैं। इस फोटो के लेयर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। और अब हमने यहाँ पे फुल बढ़ा लिया। और उसके बाद हमें स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन में कर देना है, ग्रीन स्क्रीन को। हमको यहाँ पे सही से लगा देना है इसको। तो हमने यहाँ पे फुल स्क्रीन में लगा दिया। आप लोगों को भी लगा देना है ऐसे ही। अभी लग गया। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्रोमा की। आप लोगों को क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोगों को इसके साइज को और थोड़ा छोटा कर लेना है, को नीचे लाके कर देना है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया है, सही से लगा दिया हमने। अब हमें बैक आ जाना है। अब देखिए आप लोगों को सही से एडिट करना है इसको। आप लोगों को लगा लेना है इसे। और अब आप लोगों को इसे बैक करना है। और यहाँ से आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन में करके आप लोगों को यहाँ से डाउन, अब आपको सबसे मेन पॉइंट पे आना है। आपको यहाँ पे आपने जो म्यूजिक डाउनलोड किया था आप लोगों को उस म्यूजिक को यहाँ से ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ से उस म्यूजिक को लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे आइडियो पे क्लिक कर लेना है। तो हम आइडियो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉन्ग पे क्लिक करना है। सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद जो भी हमने यहाँ पे सॉन्ग डाउनलोड किया हम उसको ले लेते हैं। तो हमारा ये सॉन्ग रहा, इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो हम इसको हमने ले लिया यहाँ से। इसको हम पूरा यहाँ पे हमारा बढ़ चुका है। उसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसे अपने चैनल पे अपलोड कर लेना है। कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा आप लोगों को। और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग की है और इसको इस वाले पार्ट को आप लोग सही कर सकते हैं जितना सही करना चाहें।
तो हमने तो ऐसे ही सही कर लिया, आप लोगों भी ऐसे करके आप लोगों सही कर लेना। और चाहो तो आप लोग यहाँ पे अपना नेम भी डाल सकते हो, अपने चैनल का नेम भी डाल सकते हो। तो हम मैं भी एग्जांपल के लिए आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का नेम जो है वो डाल रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अपने चैनल का नेम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल का नेम डाल लिया, तो इससे हमारी इसमें जो है वीडियो में एडिटिंग हो गई। अब आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।